ओए मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे आए हुए साथ पे। चलो वहां पर सारे चलो, पता है तुमने यहाँ से पीछे उड़ जाना है किधर वहां पे, और तुमने वापस नहीं आना। चलो चलो चलो, मैं वहां कौन करी जा रहा हूँ कि मेरे पिजेंस क्यों काम है और ये यहाँ पे सारे घूम रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यार हमारे सेटअप पे अभी तक वो कोई पिजन सेट नहीं हुआ है यहाँ पे। और जो हाँ, हमने कल यहाँ पे पिजन को जो पेड़ बिठाया था वो फिर यार ऊपर भाग गया। मैं उसको देखने जाता हूँ, वो फिर ऊपर चला गया मुझे लगता है, और ऊपर ही उसने अपनी जगह सेट कर लिया और उसी ग्रेट में बैठते हैं आप ऊपर। हाँ मुझे पता था यहीं पे है तुम। और ये देखिए यहाँ फिर पहुँच गए जो कल हमने वहाँ पर सबसे ऊपर वाले बॉक्स में बैठाया था। यार अब इनको यहाँ से कैसे ले जाएंगे यार मुश्तबा? हाँ फिर कुछ ले लो। हाँ ले जो फिर ले दो, क्या अपने सेट हो जाए नीचे। पकड़ो पकड़ो, कल भी बताया था लेकिन ये यार पता नहीं हो, इन्होंने यही भी अपनी जगह सेट कर ली और यहाँ से अब निकल ही नहीं रहे। फिर वहीं बिठा दो पर सबसे ऊपर वाली बॉक्स में। अरे जी अभी उड़ना नहीं है यहाँ से, अच्छा ऊपर नहीं जाना। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने यहाँ पर ये एक बड़ा बर्तन रखा है ताकि ये इसमें नहा लें। अब पता नहीं कब इनका मूड बनेगा और यहाँ पे आकर ये नहाएंगे। मेरे सामने तो अभी तक कोई गुस्सा नहीं है इसमें। हाँ जी, तुम्हारी बकरियाँ है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा तमाशा लगाया यार, बहुत ज़्यादा तंग किया है इन्होंने हमें। वो हमारा जो गेट है ये खुला हुआ था आज और ये बाहर निकल गया ना। हमें किसी मोहल्ले के लड़के ने आके बताया कि आप लोगों की जो बकरियां हैं ना वो बाहर घूम रही है ना, तो इनको हम भागते भागते किए हैं लेने, और इन्होंने तो पूरे मोहल्ले में हमको दौड़ाया है और हमारे तो पसीने निकल गए इनको पकड़ पकड़ के। बस कुछ ना पूछिए हमने इनको कैसे पकड़ा है आज। मेरा तो दिल कहा है ना कि इनकी ना ईद से पहले इनकी कुर्बानी कर दूँ, तो इतना आज मुझे इन्होंने तंग किया है ना, तो आप पूछे ना आप हमसे, इतना बगाया है इन्होंने हमें। हाँ ही ना, तुम गए ना बाहर तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा मैं तुम्हें यहीं जमा कर दूंगा, खबरदार अंदर बाहर गए तो। और ये जो है ना ये बहुत ज्यादा जोर वाली बकरी है और ये तो काबू में आती ही नहीं है ना, इसकी रस्सी पकड़ो तो ये भागती है आगे आगे। मेरी जो ये बकरी है ना लैला, ये बहुत ज्यादा शरारती है और मैं आज तंग आया हूँ इससे बिल्कुल। और अभी जो मुश्तबा की है जो उसको बेल गया बकरी, उसके हाल भी चाड़ी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और मुश्तबा ने तो अभी तक इसका नाम भी नहीं रखा। ये देखे अभी भी भाग रही है, ये देखे ये देखे ये देखे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखा कितनी ज्यादा शरारती है अभी भी। ये देखे इतना दौड़ लगा रही है और भागने की कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा शरारती हो गया यार तुम। अभी मुश्तबा को छोड़ते हैं ना, और ये देखो आ ही नहीं रही यार। चलो इनको तो छोड़ते हैं शाम के टाइम है, तो फिर बाद में इनको बांध देंगे, ठीक है? आ जाओ चलो। अभी यहाँ भागना नहीं, अच्छा आगे पीछे नहीं जाना, चलो यहीं पे आप खाना और शाम को तुम्हें बंद करेंगे। मेरे पास है जी एक सरप्राइज जो मैं आज ही ले के आया हूँ, और मैंने उसका नाम रख दिया है रंगीली। आप गेस करिए कि वो क्या चीज़ हो सकती है। नहीं गेस कर सकते, ठहरे आपको मैं दिखाता हूँ। ये है जी मेरी रंगीली, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत डक है यार। आज मैं इसको ले के आया हूँ मार्केट से, और जिनसे ले के आया हूँ उन्होंने पहले ही इसके पर वगैरह काटे हुए थे, तो मुझे तो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप इसका कलर देखें यार, इसके कलर को ही देख के मैंने इसका नाम रखा है रंगीली। और भी आज पहला दिन है इसका, तो थोड़ी बहुत परेशान है लेकिन, और खाना भी सही से नहीं खा रही, दाना भी सही से नहीं खा रही, तो लेकिन इंशाल्लाह सेट ही हो जाएगी जल्दी भी अभी। और बाकी डक्टर जब मिलेगी तो ये भी सही हो जाएगी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा शरीफ डक है, और बाकी बड़ी डक्स की तरह हमारी ये हमें काटती बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी डक है ये। तो अभी मैंने इसको पहले भी पानी में डाला था और बहुत ज़्यादा खुश और थी ये, तो अभी फिर इसका मूड अच्छा करने के लिए थोड़ा सा फिर इसको पानी में डालते हैं।
भाई डराओ ना जरा, क्यों डर रहे हो? ऐसे बिल्कुल भी नहीं काटती हाथों को, देखा नहीं काटती ना, बहुत अच्छी डाक है। चलो इसको पानी में डालते हैं अभी। देखो ये डालो, ये जी पानी में डाल दी अपनी रंगीली को, और अभी सही खुश हो रही है ना। कल थोड़ा उदास था, बैठी हुई थी, लेकिन अभी इसका मूड ठीक हो जाएगा। लगी है रंगीले को नई जगह, पसंद आई है तुम्हें? ये मुश्तबा के लिए भी ये सरप्राइज थी आज, और जब मैं घर लाया हूँ ना तब मुश्तबा को आज पता चला है। अब लेकिन अब खुल के तारीफ तारीफ नहीं कर रहा कि मेरी के कितनी अच्छी डक लेके आया हूँ। इसको भी लेकिन यार, पसंद आई है। शायद खूबसूरत है ये, बहुत मुझे बहुत अच्छी लग जान रही है। मुश्तबा, इसको क्या हुआ है माई डक को? इसको ये देखो, ये कोने वाली बैक वाली कैसे चल रही है, टांग कुछ नहीं मसला है इसके। देखो लंगड़ा के चालिए, ये पकड़ो इसको, पकड़ो जरा, क्या हुआ इसको? ये देखो, देखा देखा तो कैसे लंगड़ा रही है ये, और चलन जा रहा है सही कर। दिखाओ क्या हुआ है, कुछ हुआ है? हाँ और तो कुछ नहीं यार, ये जख्म तो कुछ नहीं है, ये क्या हुआ है? ना जाने है इसको क्या हुआ है यार। चलो छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ठीक हो जाएगी, वरना इसलिए कोई दवाई वगैरह ले आएंगे। ओए ये कब कहाँ से आ गए? ये माई डॉक्टर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और का खाना खा जाते हैं। चलो उड़ जाओ यहाँ से, चलो। ये देखें यार, ये परिंदे आज फिर आए हुए हैं यहाँ पर, और ग्रिल पे बैठे हैं ऊपर। इनसे तो मैं इतना तंग हूँ ना, और अभी मैं इतना डरता हूँ इनसे, बताऊँ क्यों? कि हमारी जो कबूती है ना, दो कबूतियों ने अंडे दिए हैं, और ये जो होते हैं ना परिंदे, ये आके सीधे घुसते हैं बॉक्सेस में, और हमारे पीछे वो सही तेजी में उड़ते हैं। मुझे डर लगता है कि अंडे कहीं टूट जाएंगे किसी दिन। मुतवा यार इनको उड़ाते हैं ऊपर जाके, उड़ा दो इनको जाके ऊपर से। और यार ये हमारी फिर लैला कहीं चली गई है, लैला और बिली पता नहीं फिर अब कहाँ चलेंगे। काला बहुत ज्यादा अच्छा डॉग है मेरा यार, ये किसी भी परिंदे को कुछ नहीं कहता, और बिल्कुल भी नहीं तंग करता। मत ये देखे मुर्गा भी यहाँ पे घूम रहा है, और ये देखे जी मेरी न्यू डक रंगीली, इनको भी कुछ, इसको भी कुछ नहीं कहता बिल्कुल भी। आज ही आई है, पहचान भी होता भी इतना कुछ नहीं है इसको, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कह रहा है इसको। रंगीली तो यहाँ पे अकेली घूम रही है, मेरा दिल था कि छोटी डक से साथ मिल जाए, लेकिन पता नहीं चले सेट हो जाएगी यहाँ पे ये इसके लिए कोई पार्टनर ले आएंगे। मुझे जो रंगीली है ना हमारी, इसकी एक ही बात पसंद आई है कि जिस भाई से मैंने ये ली थी ना, तो वो कह रहे थे इसके इसके जो पर है इसलिए काटे हुए क्योंकि ये एक छोटे से घर में थी, और वहाँ से ये छलांग मार के उड़ जाती थी, इसलिए इसके पर काट दिए। और अभी इसने यहाँ सारी खुली जगह देखी है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर, और कभी यहाँ पर जाती है, कभी वहाँ चली जाती है, और बड़ी डाक के पास नहीं जा रही क्योंकि बड़ी डाक मुझे लगता है इसको मार रही। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।